करनाल के सेक्टर 16 स्थित डॉक्टर अंबेडकर भूतल भवन के उद्घाटन अवसर पर अंबेडकर समाज कल्याण सभा द्वारा कार्यक्रम करवाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर भवन के प्रथम तल के निर्माण के लिए 11 लाख रुपये अनुदान राशि तथा भवन में बनी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में परिवर्तित करने की घोषणा भी की। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब प्रदेश के अन्य परिवारों के छात्रों को भी मिलेगा। मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब प्रदेश के अन्य गरीब परिवारों के छात्रों को भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अंबेडकर सभा के सदस्यों को अंबेडकर भवन के उद्घाटन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश की संविधान सभा का नेतृत्व किया, देश को एक मजबूत संविधान दिया। आज हमारे संविधान की बदौलत देश राजनीतिक, प्रशासनिक व संगठनात्मक तौर पर मजबूत है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश को एकता के सूत्र में पिरोया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बनने वाले भवन का उद्घाटन करने का अवसर भी मिला। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बीती 8 जुलाई 2015 में किया गया था। इस भवन के निर्माण पर सरकार द्वारा करीब 50 लाख रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि हर गरीब परिवार का उत्थान हो और उन्होंने अपने जीवन में गरीब व दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव काम किया। वर्तमान सरकार भी इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है और अत्योदय के भाव के साथ अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब कन्याओं के विवाह के लिए 51,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह में भी गरीब कन्याओं को 21,000 रुपये व 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत भी अच्छे अंक लाने वाले गरीब परिवार के बच्चों को 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुविधाएँ बढ़ा रही है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा के बजट में भी बढ़ोतरी की है। आज प्रदेश में योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। युवाओं को नौकरी के लिए पर्ची व खर्ची नहीं देनी पड़ती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में HCS और IPS की नियुक्ति मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता था, परंतु वर्तमान सरकार ने इस प्रथा को भी बदला है और अब मुख्यमंत्री की कलम की बजाय यह नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर की जाती हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण सभा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री सहित आए हुए अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता व अंबेडकर समाज कल्याण सभा के प्रधान अमर सिंह पातलान आदि मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मैं आज डॉक्टर अंबेडकर भवन जो यहाँ बनाया जिसका उद्घाटन किया है, इसके लिए यहाँ के पूरे समाज को, इनके प्रबंध कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं कि इस भवन में जो बच्चों की भविष्य को सुधारने के लिए उनके पढ़ाई के कोचिंग सेंटर, उनके लिए कौशल विकास केंद्र, ये सब चलाएंगे और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, इनको बहुत बधाई। सर, पंजाब में बीजेपी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आप प्रचार के लिए जाएंगे? निश्चित जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर पंजाब हमारा पड़ोस का प्रदेश है, पंजाब में तो मैंने पहले 3 साल काम किया हुआ है, इसलिए पंजाब में एक बहुत लंबे समय के बाद वहाँ की स्थानीय इकाई की मांग पूरी की जा रही है। पूरे प्रदेश में हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे। जो सर किसान पंजाब से आएंगे और हरियाणा में आएंगे, क्या उन्हें रोका जाएगा? ये कैसी रणनीति बनती है ये 26 तारीख को बताएंगे।
सर एक आखिरी सवाल, पॉली क्लिनिक में सुविधाएं देने की बात की थी जो पास में ही है सेक्टर 16, वहाँ पूरी सुविधाएं नहीं है, तो उसको लेकर कुछ आगे? मैं अभी जानकारी लूंगा। सुविधाएं तो सबको पूरी मिलनी चाहिए, जो हमारे स्थान ऐसे बने हैं, पॉली क्लिनिक है अथवा और अन्य स्थान चिकित्सा से संबंधित जुड़े हुए स्थान है, उन सब में पूरी सुविधाएं मिलेंगी। अभी भी मैं एक स्थान पर जा रहा हूँ जो पार्क व्यायामशाला के साथ साथ एक वेलनेस सेंटर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, 20 वेलनेस सेंटर्स का, उनमें से एक ये भी था, तो मैं उसको आज निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ कि वहाँ वेलनेस सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उन्होंने बनाई है, उपलब्ध कराई है, कोई अगर कमी पाई जाएगी तो तुरंत लोगों को बताएंगे, और इस प्रकार के वेलनेस सेंटर्स हरियाणा में और भी खोले। सर इंद्री में क्या कार्यक्रम रहेगा? इंद्री में हमारे विधायक का एक छोटा कार्यक्रम होता है। शुक्रिया। करनाल के लोगों को बधाई, आपको भी बधाई। और सर ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.